हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी। तो मैं एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, हमें क्या करना है, पॉइंट बी और डी के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करना है। आप सर्किट देख सकते हो, हमारे इसमें एक बैटरी लगी हुई है, बाकी कुछ इस प्रकार से हमारे रजिस्टर लगे हुए हैं। तो जनरली आपको देखने पर ये लग रहा होगा, ये क्या है, हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप देख सकते हो दो रजिस्टर ऐसे में लगे हुए हैं, इनके पैरेलल में दो रजिस्टर ऐसे में लगे हुए हैं। बट यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, अगर ये वाला रजिस्टेंस पी ओम का है, ये अगर क्यू ओम का है, अगर ये आर ओम का है, और ये अगर एस ओम का है, इस प्रकार से। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है कि पी बाई क्यू, यानी कि पी और क्यू का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है हमारे आर और एस के रेशियो के बराबर, आर और एस इनका रेशियो के बराबर। तो यहाँ पे ये चेक करते हैं, ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में जो ये दो पॉइंट होते हैं ये सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं, ये दो सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो हमें बी और डी के बीच का पोटेंशियल निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो वी बी डी यानी कि वी बी माइनस वी डी ऐसे लिख सकते हो आप। तो बी और डी अगर सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं किस कंडीशन में, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में, तो बी और डी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होने का मतलब है कि वी बी इक्वल टू वी डी। तो वी बी माइनस वी डी कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा इस केस में। तो ये हो सकता है, बट पहले ये कंडीशन फुलफिल तो हो। तो देखते हैं पी बाई क्यू, यानी कि पी है 1 और क्यू है 1, तो 1 बाई 1, और ये इक्वल होना चाहिए हमारे आर बाई एस, आर यानी कि 1.5 और एस है यानी कि 1 1.5 डिवाइड बाई 1। तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है वो तो फुलफिल नहीं हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो बी और डी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो बी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो सकता है। तो अब देखते हैं, अब हम क्या कैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, देखते हैं। तो अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो अपना किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, लूप लॉ, वो लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो थोड़ी देर के लिए हम जो ये नीचे वाले हमारे रजिस्टर लगे हुए हैं इनको हटा देते हैं, इनको हटा दोगे, ये वाली ब्रांच, ये ब्रांच हमने हटा दी। तो अब देखो इस सर्किट को देखो, ये क्लोज लूप है, नहीं है, देखो ए से चलना शुरू करो आप और वापस ए पे आओगे तो क्लोज हो रहा, नहीं हो रहा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, इस लूप का नाम लिखना चाहूँ तो ए बी सी ई और वापस ए पे, यानी ए बी सी ई और ए, ये हमारा क्लोज लूप हो गया, ए से शुरू हुआ और ए पे ही खत्म हो गया। तो इस क्लोज लूप में हम अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में जो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज कैसे निकालते हैं, तो देखो हमारा जो बैटरी है इसमें हम जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, और ये नेगेटिव टर्मिनल को हमने नेगेटिव लिख दिया चार्ज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है रजिस्टर का एंड, वो पॉजिटिव हो गया और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ऐसे ही पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो हमारा जो कन्वेंशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे, तो साइन आएगा नेगेटिव। जब कब, जब हम कब जाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहे होंगे तो साइन आएगा नेगेटिव का, और अगर मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा हूँ तो साइन तब आएगा पॉजिटिव का। कब आएगा पॉजिटिव का साइन, जब मैं नेगेटिव से कहाँ चलूंगा, पॉजिटिव की तरफ चलूंगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चलूंगा, तब साइन आएगा आपका पॉजिटिव का। तो अब देखो मैं अगर यहाँ से यहाँ चलता हूँ, हाँ बेसिकली ये होता क्यों है, अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये हायर एंड पे है, नेगेटिव का मतलब होता है ये लोअर एंड पे है। तो मैं हायर एंड से लोअर एंड की तरफ चलूंगा, यानी कि मैं ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर चला। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुल मिला के घटा है ना मेरा पोटेंशियल, ज़्यादा से कम की तरफ चला, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं इस पॉइंट पर गया तो पोटेंशियल तो घटा है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव साइन लेता हूँ। किस कंडीशन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने की कंडीशन में। और नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने की कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव यानी कम पोटेंशियल वाला है और पॉजिटिव यानी ज़्यादा, यानी कि मैं कम से ज़्यादा की ओर चला, कम से ज़्यादा की ओर चला, इसका मतलब है मेरा पोटेंशियल जो भी है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए साइन क्या आएगा, पॉजिटिव का आएगा। कब आएगा पॉजिटिव का, जब मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव चलूंगा। तो अब यहाँ पे यही जो लॉजिक है ये अप्लाई करता हूँ मैं, तो मैं ए से ही चलना शुरू, मतलब ए से ही चलना शुरू करता हूँ इस लूप में। ये तो मैंने डायरेक्शन बता दी इस लूप की कि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूँ, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूँ। तो देखो ए से बी पे चलूंगा, तो सबसे पहले ए से बी पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके कारण, किसके कारण, ये हमारा जो रजिस्टर लगाया है। तो वो कैसे निकालते हैं, वो वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं वी इक्वल टू आई इंटू आर से, ओम्स लॉ से। तो आप पता है यहाँ पे करंट क्या है, अच्छा करंट भी नहीं है हमें पता, तो करंट नहीं है पता, तो चलो हमने इसमें ले लिया कि आई वन करंट है, क्या है इसमें, आई वन करंट है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, हम ऐसे लिख सकते थे इसको अगर इसमें पोटेंशियल ड्रॉप देखना चाहे, तो आई इंटू आर, आई इंटू आर यानी कि आई वन इसमें करंट है, आर क्या है, 1 ओम है। तो ये हो जाता आई वन इंटू आर यानी कि 1 ओम हो जाता, प्लस प्लस होगा, हाँ साइन क्या आएगा, साइन ये चीज़ मैंने, साइन क्या आएगा इसके आगे। तो देखो मैं कहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव चला, अभी देखो हमने कहा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेंगे, साइन नेगेटिव का लेंगे, तो साइन मैंने नेगेटिव का ले लिया। अब देखो मैं फिर से पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा हूँ, तो साइन तो मैं नेगेटिव का लूंगा, और यहाँ पे भी आर की वैल्यू क्या है, 1 ओम है, और ये देखो ये पूरा सीरीज में है ना इसके, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये करंट तो आई वन ही रहने वाला है, यानी कि आई वन करंट। और फिर यहाँ पे आएंगे तो ये बैटरी देखो, बैटरी कितनी है जी, बैटरी में कहाँ से कहाँ चल रहा हूँ, पहली बात ये देखो, बैटरी में मैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल रहा हूँ, यानी कम से ज़्यादा की तरफ चला। तो बैटरी का क्या लेना पड़ेगा, कम से ज़्यादा की तरफ चलते हैं यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं, तो साइन कर लेते, पॉजिटिव कर लेते, तो प्लस का लेना पड़ेगा, और बैटरी का वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट, तो प्लस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज 0 होता है, यही हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है। तो यहाँ से देख लो ये कितना हो रहा है, माइनस का 2, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस का
आई वन हो जाएगा, ये भी माइनस का आई वन हो जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो माइनस का टू आई टी हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस का टू हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आई वन है ये आई वन, ये देखो आई वन, तो आई वन की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, इसको सॉल्व करोगे ये टू इधर चला जाएगा तो टू वन से टू, आई वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आई आपकी, वन एम्पियर आ गई। तो इस वाली ब्रांच में तो एक एम्पियर करंट हमें मिल चुका है, किस वाली ब्रांच में, ये वाली ब्रांच में हमें करंट एक एम्पियर मिल चुका है। ठीक है, करंट आपको एक एम्पियर मिला है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमें करंट मिला है इस वाली ब्रांच के लिए मिला है ना, हाँ यहाँ पे नीचे भी एक और ब्रांच थी, ये थी हमारी ब्रांच, वापस से बना देता हूँ मैं उस ब्रांच को, ये ऐसे कुछ थी हमारी ब्रांच जो मेन क्वेश्चन था उसमें, इसको हटा दिया मैंने, ऐसा था जी। और ये यहाँ पे कितना ओम का रजिस्टर लगा हुआ था, ये हमारा लगा हुआ था 1.5 ओम का, और ये वाला लगा हुआ था हमारा कितना 1 ओम का, उतना अच्छा नहीं बना डायग्राम, तो खैर आपको तो समझना है, समझ आना चाहिए बाकी। तो ये था जी ऐसे ऐसे, ये 1.5 ओम का था, और यहाँ पे ये डी पॉइंट था, और ये हमारा 1 ओम का इधर लगा हुआ था ऐसे, तो ये तो आई वन करंट था ऐसे। इसमें हम क्या कर देते, इसमें आई टू करंट बोल देते कि आई टू करंट जा रहा है, और अब लूप लो लगाओ, किस में लगाओ, इसमें लगाओ लूप लो जो नीचे वाला है, यानी कि मैं इस लूप का नाम लिखना चाहूँ तो इस लूप का नाम क्या लिखूंगा, ए से चलना शुरू कर रहा हूँ, वापस ए भी आ रहा हूँ, लेकिन इस टाइम कौन से लूप की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से क्लोज लूप की बात कर रहा हूँ, तो ए डी सी ई और ए, क्या है आपका नाम, ए डी सी ई और ए, ए डी सी ई और ए, ये वाला क्लोज लूप, इस वाले क्लोज लूप में भी आप जो बोल रहे लगाओ, ए से डी चलो सबसे पहले, तो करंट कितना है, करंट है इसमें आई टू, तो आई टू इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1.5 साइन क्या आएगा, साइन क्या आएगा, साइन भी इनका दे सकते हैं, देखो पॉजिटिव इन से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कितना हो जाता है ये पॉजिटिव नेगेटिव चलाऊँ तो माइनस का हो जाता है साइन इसके आगे, फिर इस वाले रजिस्टर में देखो पॉजिटिव नेगेटिव चलाऊँ फिर से तो साइन फिर से नेगेटिव का, और करंट कितनी है, करंट है आई टू, और आर कितना है, आर की वैल्यू 1 ओम, तो इंटू 1, और फिर से हमारा जो बैटरी है उसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव चलाऊँ यानी कि कम से ज़्यादा, तो साइन पॉजिटिव का आएगा, प्लस का 2 वोल्ट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आने वाला है, माइनस का 1.5 आई टू, और ये माइनस का 1, तो ये जोड़ के कितना आने वाले हैं, माइनस का 2.5 आई टू बराबर कितना आने वाला है, ये इधर चला जाएगा माइनस का 2। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आई टू बराबर कितना आने वाला है, ये आने वाला है आपका 2/2.5, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 20/25, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो 4×5 20, और 4×5 20 कहाँ, 5×5 20 और 5×5 25, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 0.8, तो 0.8 एम्पियर इस वाली ब्रांच में हमारा करंट आ गया, आई टू की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई वन की वैल्यू आपको मिली थी, आपका कितना मिली थी, ये यहाँ पे एक एम्पियर, यानी कि ऊपर वाली ब्रांच है इसमें एक एम्पियर करंट थी, ये यहाँ से आपको एक एम्पियर मिली थी, ऐसे आई टू की वैल्यू ये नीचे से मिल गई हमें, कितना आई, 0.8 एम्पियर आई, तो आई वन और आई टू पता चल गया इस वाली ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमें आई वन और आई टू तो पता चल गई, इसमें करंट पता चल गई और इसमें करंट पता चल गई, अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है वी बी माइनस वी डी निकालना है, हमारा मेन मकसद तो क्या था, वी डी माइनस वी बी निकालना है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये मैंने रफ कर दिया, ये देखिए, तो यहाँ पे ये है हमारा बी और डी ना, बी डी के बीच में निकालना है, यानी कि मुझे निकालना है वी बी डी के बीच में, यानी कि वी बी माइनस वी डी निकालना है। अब यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, वी ए से बी पॉइंट के बीच में निकालना, यानी कि मैं अगर वी ए टू बी निकालना चाहूँ तो वो उसको कैसे निकालूंगा, वी ए माइनस वी बी करूँगा, क्या करूँगा, वी ए माइनस वी बी करूँगा, यानी कि ए से बी पॉइंट के बीच में, और ये किस कितना हो जाएगा, करंट आपको पता है एक एम्पियर है, ए से बी पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस पता है कितना है, इसका रेजिस्टेंस इस वाले रजिस्टर का 1 ओम है, तो आप किरचॉफ लॉ से क्या कर सकते हो, किरचॉफ लॉ कह रहा है मैं, ओम्स लॉ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर वी पॉइंट करना चाहो इन दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में, तो आसानी से कर सकते हो, क्या हो जाएगा, आई इंटू आर वन, यानी कि 1 एम्पियर इंटू आर, आर कितना है इसमें, तो 1 ओम का है, 1 × 1 कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे 1 वोल्ट हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी यहाँ से ऐसे 1 वोल्ट मिल सकता है, क्या मिल सकता है, 1 वोल्ट मिल सकता है। ऐसे यहाँ पे नीचे वाला देखो, अगर मैं ए और डी पॉइंट के बीच में निकालना चाहूँ, यानी कि वी ए डी निकालना चाहूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी डी, ऐसे ए और डी पॉइंट के बीच निकालना हो तो वी ए माइनस वी डी कर दिया, और यहाँ पे भी देखो करंट आपको पता है इस वाली ब्रांच में आई टू है, और रेजिस्टेंस पता है आपको 1.5 एम्पियर है, तो फिर से वी इक्वल टू आई इंटू आर लगाया आपने, तो क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू आई, आई कितना है करंट इसमें, आई टू, आई टू की वैल्यू कितनी आई थी, 0.8, तो ये 0.8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.2 क्या हो जाएगा, वोल्ट, तो वी ए बी 1 वोल्ट आया, और वी ए डी कितना आया, 1.2 वोल्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं वी बी डी को कैसे भी लिख सकता हूँ, वी बी डी क्या है आपका, वी बी डी है आपका बी से डी पॉइंट के बीच में, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यह जी वी बी डी है आपका बी से डी पॉइंट के बीच में ना, तो हमने ये लिखा था इसको वी बी माइनस वी डी। अब देखो ये मुझे कैसे मिल सकता था, ये मुझे कैसे मिल सकता था, ये मुझे ऐसे मिल सकता था, देखो वी बी माइनस वी डी करना है ना, तो मैं इसे ऐसे निकाल सकता था, देखो कैसे मैं इसे लिख सकता था, वी ए माइनस वी डी, यानी कि वी ए टू डी के बीच में है जो, इसमें से मैं माइनस करता क्या, ये वाला माइनस करता आपका क्या, वी ए माइनस
वी बी, यानी कुल मिला के मैंने वी, ये जो वाली इक्वेशन है ये, इसमें से ये माइनस किया, मैंने क्या किया वी ए डी में से वी ए बी माइनस किया, तो वी ए डी की वैल्यू क्या है, वी ए माइनस वी डी, और वी ए माइनस वी बी क्या है, वी ए बी की वैल्यू, तो वो पुट की यहाँ पे मैंने ये वी बी माइनस वी डी निकालने के लिए ये लॉजिक लगाया। अब देखो यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको, पहले आप ये देख लो, ये वी बी माइनस वी डी मिल रहा है नहीं मिल रहा, देखो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे मैं करके देख लो, वी ए माइनस वी डी, और ये हो जाएगा माइनस का वी ए, ये माइनस माइनस का क्या हो जाता प्लस का वी बी, अब देखो वी ए से वी ए कैंसिल हो जाता, प्लस का ए माइनस का, और ये क्या बचता वी ए बी, वी बी माइनस वी डी बच रहा है, तो ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है जी, तो हम ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, अब आपको आसानी से वैल्यू मिल सकती है, वी ए माइनस वी डी हमने निकाल रखा है, वी ए माइनस वी डी कितना निकाल रखा था, तो ये हमने निकाला था 1.2 वोल्ट, तो यहाँ से लिख दिया हमने 1.2 वोल्ट, और अगर मैं यहाँ से निकालना चाहता क्या ये वी ए माइनस वी बी, तो ये हमने निकाल ही रखा था 1.1 वोल्ट, तो ये माइनस 1 वोल्ट किया, ये कितना आ गया 0.2 वोल्ट के बराबर आ गया, कितना आया ये 0.2 वोल्ट के बराबर आ गया। किसके बीच का पोटेंशियल है, तो बी डी के बीच का पोटेंशियल है, बी और डी के बीच का पोटेंशियल कितना आया 0.2 वोल्ट आया, और जो हमने प्रक्रिया अपनाई वो आपने देखी होगी कैसे कैसे अपनाई हमने प्रक्रिया। हाँ क्या हम दूसरे तरीके से कर सकते थे, आपका दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा, तो बिल्कुल कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, अच्छा हाँ करना क्या है उसमें, उसमें वही ठीक है, आई तो निकालना ही पड़ता, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे ही करना पड़ता है हमें, वी वी बी माइनस वी डी इसी प्रकार से करना पड़ेगा, हाँ इसी लॉजिक से करना पड़ेगा हमें, क्योंकि उस वाले केस में भी मुझे करंट ही फाइंड करनी पड़ेगी वापस, करंट लॉ लगा के, तो करंट तो हमने वोल्टेज लॉ लगा के फाइंड करी थी दोनों ब्रांच में, और फिर उसके बाद तो हमें इसी लॉजिक से करना पड़ेगा, ये वी बी माइनस वी डी करना है, तो हमने क्या किया कि पहले ए टू बी के बीच का निकाला और ए टू डी के बीच का निकाला, और जितना आया इनको, इनका दोनों का डिफरेंस लेके देखा हमने, तो वो वी बी माइनस वी डी के बराबर बच रहा था, तो हमने वही लॉजिक अप्लाई करते हुए यहाँ पे वी से बी और डी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है वो निकाला, कितना आया 0.2 वोल्ट आया, तो आपने देखा कि हम कैसे कर सकते थे इसको, आई होप जो वीडियो है वो समझ में आई होगी आपको, आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।